Hello friends, good morning. Today we will continue with your current affairs lecture 3. Okay, I hope आप लोगों ने पहले दो lectures देखे और उसमें जो homework मैंने दिया था वो भी आएगी आप लोगों ने complete कर दिया है. Okay, चलिए तो आज का हमारा पहला topic है traditional new year festivals. Okay, आपको पता है कि अभी चैत्र महीना चल रहा है. Okay, according to the Vikram Samvat calendar. Okay, तो उस हिसाब से विक्रम संवत के हिसाब से काफ़ी सारे त्यौहार अभी आपको देखने को मिले. ठीक है, रामनवमी गई और उसके आसपास के दिनों में काफ़ी सारे त्यौहार अगर आपने देखा होगा तो देखने को मिले. और प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पे और इंस्टाग्राम हैंडल पे सबको विशेष दिए अलग अलग कम्युनिटीज़ को. ओके, तो थोड़े थोड़े फेस्टिवल के बारे में अपने को जानना है. ओके, चलिए. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ ग्रीटेड द पीपल ऑन द ईव ऑफ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, उगादि, गुड़ी पाड़वा, चेटी चांद. ओके, उगादि जो है वो मनाया जाता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका के कुछ रीजन में. ओके, जहाँ पे तेलुगु लोग, तेलुगु स्पीकिंग लोग रहते हैं. गुड़ी पड़वा मनाया जाता है महाराष्ट्र और कर्नाटका के उन हिस्सों में जहाँ पे मराठी स्पीकिंग लोग रहते हैं, तो बेसिकली वो मराठी लोगों का त्यौहार होगा. चेटी चांद मनाया जाता है सिंधियों द्वारा. ओके, नवरेह मनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में. ओके, और साजीबू चाइरोबा मनाया जाता है मणिपुर में. ओके, तो ये ईस्ट का त्यौहार है. ओके, दिस फेस्टिवल ऑफ द स्प्रिंग सीजन. ओके, जो स्प्रिंग की शुरुआत होती है जब. ओके, तो इसलिए ये त्यौहार मनाया जाते हैं. मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेडिशनल न्यू ईयर इन इंडिया. ओके, ना व्हाट इज चैत्र शुक्ल प्रतिपद. ओके, सो इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर ऑफ द विक्रम संवत. ओके, विक्रम संवत ऑल्सो नोन एज द वैदिक हिंदू कैलेंडर. ओके, विक्रम संवत इज बेस्ड ऑन द विक्रम संवत क्यों मैंने हम सेलिब्रेट करते हैं. विक्रम संवत इज बेस्ड ऑन द डे व्हेन द एम्परर विक्रमादित्य डिफीटेड शकास. ओके, इन्वेडेड उज्जैन एंड कॉल्ड फॉर न्यू एरा. तो एक नए युग की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए वी सेलिब्रेट, वी फॉलो विक्रम संवत. Under his supervision, astronomers formed a new calendar based on the lunisolar system that is still followed in the northern regions of India. It is the first day during the waxing phase in which the visible side of moon is getting bigger every night. Okay, maybe जो full moon अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा. Okay, रामनवमी के बाद की जो पूनम थी, that is the full moon day. Okay, तो सबसे ज्यादा लाइटिंग था अपना जो मून था. ओके, इन द मंथ ऑफ चैत्रा. ओके, एंड दैट इज द फर्स्ट मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर. ओके, चलिए. अब गुड़ी पड़वा एंड उगादि क्या है, तो फेस्टिवल, दीज फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय द पीपल इन द डेक्कन रीजियन. ओके, इंक्लूडिंग कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र. ओके, इंक्लूड तेलंगाना ऑल्सो. ओके, ये the common practice in the celebration of both the festivals is the festive food that is prepared with a mix of sweet and bitter. Okay, to gur aur neem se ek prasad banaya jata hai specially is din ke liye. Okay, a famous concoction served is jaggery and neem called bevu bella. Okay, jisko bevu bella kaha jata hai in the south, signifying that life brings both happiness and sorrow. गुड़ी इज अ डॉल प्रिपेयर्ड इन महाराष्ट्रियन होम्स. ओके, तो गुड़ी पड़वा में आपको पता होगा कि एक बाम्बू स्टिक के ऊपर उल्टा कलश रख के जो मराठियों की जो परंपरागत चुंदड़ी या साड़ी होती है उसको पहना जाता है, उसकी पूजा की जाती है. ओके, टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर. बाम्बू स्टिक इज अडॉर्न्ड विथ ग्रीन और रेड ब्रोकेड टू मेक द गुड़ी. This goodie is placed prominently in the house or outside a window door for all to see. Okay, for Ugadi, doors in homes are adorned with mango leaf decorations called Torana in Kannada. Okay, so jaise hum toran se apne ghar ko sajate hain apne New Year mein, in region mein bhi New Year ko, New Year ke din toran se ghar ko sajaya jata hai. Okay. नेक्स्ट फेस्टिवल इज चेटी चांद. तो चेटी चांद आपको पता होना चाहिए कि सिंधियों का त्यौहार है और सिंधीज आर द माइग्रेंट पीपल फ्रॉम सिंध प्रदेश ऑफ द करंट पाकिस्तान. ओके, तो अगर आप देखोगे तो सिंधी और कच्ची जो लैंग्वेज है
उन लोगों के कुछ कुछ वर्ड्स जो है ओके वो एक दूसरे से काफी रिजेंबल करेंगे। ओके सिंधीज सेलिब्रेट द न्यू ईयर एज चेटीचंड, चैत्र मंथ इज कॉल्ड चेट इन सिंधी। ओके द डे कॉमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ झूलेलाल। ओके तो उनके जो गॉड है दैट इज नोन एज झूलेलाल, द पेट्रॉन सेंट ऑफ सिंधीज। ओके नेक्स्ट त्यौहार अपने लिए है नवरेह। ओके इट इज द लूनर न्यू ईयर दैट इज सेलिब्रेटेड इन कश्मीर। ओके तो ये कश्मीर में मनाया जाने वाला लूनर न्यू ईयर है। ओके इट इज द संस्कृत वर्ड नववर्ष फ्रॉम वेयर द वर्ड नवरे हैज बीन डिराइव। ओके तो नवरे जो वर्ड है वो संस्कृत वर्ड नववर्ष से लिया गया है। इट फॉल्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ चैत्री नवरात्रि। ओके और चैत्री नवरात्रि का जो आखिरी दिन होता है दैट इज नोन एज रामनवमी। हम सबको पता है ऑन दिस डे कश्मीरी पंडित लुक एट अ बोल ऑफ राइस विच इज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ रिचेज एंड फर्टिलिटी। ओके अच्छी फसल होगी उसके लिए ये त्योहार मनाया जाता है, ऐसा कंसिडर किया जाता है। ओके नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल जो ये चैत्र महीने में आया है दैट इज साजिबू चाइरोबा। ओके इट इज द रिचुअल फेस्टिवल ऑफ मैथीज एंड मैथी इज अ इंडिजीनियस पीपल ऑफ मणिपुर विच इज ऑब्जर्व ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मणिपुर ल्यूनार मंथ साजिबू। ओके मणिपुर का जो ल्यूनार फर्स्ट ल्यूनार मंथ है दैट इज नोन एज मणिपुर साजिबू। ओके विच फॉल्स इन मार्च अप्रैल एवरी ईयर। ओके मार्च अप्रैल के जो अपने मंथ्स है उसके करीब ये आएगा। ओके साजिबू ऑन द डे ऑफ द फेस्टिवल पीपल अरेंज अ जॉइंट फैमिली फीस्ट इन विच ट्रेडिशनल कजीन्स आर ऑफर्ड टू लोकल डाइटीज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउसेज। ओके तो जैसा हम अपने न्यू ईयर में करते हैं सेम चीज़ आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। ओके आप जैसे हम अपने न्यू ईयर में करते हैं कि फैमिली इकट्ठा होगी एक दूसरे को ग्रीट करेंगे ओके ना एंजॉय करेंगे तो द सेम चीज आपको हर कम्युनिटी के त्योहारों में देखने को मिलेगी। ओके चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस इज जे एन के डोमिसाइल रूल्स। ओके तो अपने को पता है कि 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में एक अलग स्टेट था। ओके तो वहाँ पे उसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। ओके आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A को रिवोक करके जम्मू एंड कश्मीर जो पूरा एक स्टेट था उसको दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। ओके फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बनाया गया जम्मू एंड कश्मीर को विथ लेजिस्लेशन। ओके एंड लद्दाख विल बी दी यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेशन। ओके अब देखिए जब जम्मू एंड कश्मीर विथ लेजिस्लेशन जब बनाया गया है ओके तो वहाँ अब वो यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ का जो पूरा कंट्रोल है वहाँ का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके थ्रू चलेगा जब तक वहाँ पे कोई नई गवर्नमेंट नहीं आती है तो 100% जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। ओके तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं पर भी रिक्रूटमेंट करेगी ओके तो उसके डोमिसाइल्स रूल अलग होंगे। तो जम्मू कश्मीर में भी डोमिसाइल रूल जो पहले थे ओके पहले अगर मुझे वहाँ पे नौकरी मान लीजिए गुजरात के किसी बंदे को जम्मू कश्मीर में नौकरी करनी है तो वो नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ जम्मू कश्मीर के बंदे को ही वहाँ पे नौकरी मिल सकती थी। अब इन रूल्स को चेंज करके डोमिसाइल के जो रूल्स हैं उनको थोड़ा अमेंड किया गया है। ओके क्या अमेंडमेंट किया गया है दैट वी विल सी। ओके Recently, Ministry of Home Affairs has issued the Jammu and Kashmir Reorganization Adaption of State Laws Order 2020. काफ़ी सारे लॉज एक्चुअली अमेंड हुए हैं जब से ये रिवोक हुआ है 370 एंड 355 है। ओके ऑन 6th of August 2019 The center revoked J&K's special status under Article 370 and Article 35A of the Constitution and bifurcated it into the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. The two revoked constitutional provisions
let the state legislature decide the permanent residence, prohibiting a non-JNK resident from buying property there and ensuring job reservation for its residents. ओके, तो जब 370 और 355 ए था तब क्या होता था कि परमानेंट रेसिडेंट्स जो कौन होंगे वो कौन डिसाइड करता था वहाँ का जो स्टेट लेजिस्लेशन, क्योंकि ऑब्वियसली स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था तो वहाँ के जो स्टेट असेंबली थी उसको ज़्यादा पावर्स थे. तो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता था कि भाई इसको मुझे परमानेंट रेसिडेंट का सर्टिफिकेट देना है और इसको मुझे परमानेंट रेसिडेंट का सर्टिफिकेट नहीं देना है. ओके, और इससे क्या होता था, कोई भी नॉन जे एन के रेसिडेंट जो है, नॉन जे एन के रेसिडेंट को वो वहाँ प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकता था या तो वहाँ के जॉब में उसको रिजर्वेशन भी नहीं मिलता था. ओके, देर आर 12 स्टेट्स इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश वेयर प्रोविजंस ऑफ स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371 अप्लाई. ओके, तो काफ़ी सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है. ओके, और इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ पे अगर आपको जॉब करने जाना है तो आप वहाँ पे जॉब नहीं करवाओगे, क्योंकि वो ये लोग जब जुड़े थे, ओके, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जब जुड़े थे इंडिया के अंदर, तब वहाँ के जो कल्चरल ऑथेंटिसिटी है उसको प्रिजर्व करने के लिए ये सारे प्रोविजन बनाए गए थे. ओके, द प्रोविजंस पर्टेन टू रेगुलेशन ऑफ ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड इन ऑर्डर टू कंजर्व द लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर डेवलपमेंट and to ensure that the state preserves its unique identity. Okay, तो उनकी unique identity को preserve करने के लिए ये provisions वहाँ पर अब तक लागू किए गए. Okay, अब ये जो नया order आया 2020 का वो क्या कर रहा है? Okay, तो वो total 109 जो laws हैं, existing laws हैं, उसको amend कर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ छोटा मोटा बदलाव कर रहा है. Okay, and repeal 29 laws. ओके, और 29 लॉज को रिपील कर रहा है. ओके, ऑफ देयर अर्स्टवाइल स्टेट एंड इंसर्टेड द डोमिसाइल क्लॉज. अब तक वहाँ पे डोमिसाइल क्लॉज जैसा कुछ था ही नहीं. क्यों नहीं था? क्योंकि स्टेट असेंबली डिसाइड कर लेती थी कि भाई कौन डोमिसाइल होगा, कौन डोमिसाइल नहीं होगा, ठीक है, कौन परमानेंट रेसिडेंट होगा. बट अब जब क्योंकि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गया है, ओके, तो पूरे देश से अगर किसी को भी जम्मू एंड कश्मीर में नौकरी करने जाना है तो दैट पर्सन कैन गो and apply for the civil services jobs in Jammu and Kashmir. Okay, तो domicile clause insert किया गया है कहाँ पे? Jammu and Kashmir civil services, Jammu and Kashmir civil services decentralization and recruitment act 2010. Okay, the clause for permanent resident of the state under 2010 act has been substituted by domicile of the union territory. तो जो पहले परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट था वो स्टेट रहा ही नहीं है, ठीक है, और परमानेंट रेसिडेंट होना भी अब ज़रूरी नहीं है अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर में जॉब करनी है. तो उसकी जगह पर क्या दाखिल किया गया है? डोमिसाइल. सब्स्टिट्यूट क्या किया गया है? परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट शब्द की जगह पर अब क्या सब्स्टिट्यूट किया गया है? डोमिसाइल ऑफ द यूनियन टेरिटरी. और इससे टोटल कितने लॉस पे फ़र्क पड़ेगा? 109 लॉस पे फ़र्क पड़ेगा. ओके, the act pertained to employment in the civil services comprising district, divisional and state cadre post. Only permanent residents of the JNK were eligible to apply for the gazetted and non-gazetted post, but now non-domiciles can also apply for this post. अब तक क्या होता था? जो permanent resident थे जिनको certificate किसके द्वारा दिया जाता था? State government के द्वारा. तो वो वही लोग गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पोस्ट की जो जॉब थी उनके लिए अप्लाई कर सकते थे. बट क्योंकि अब नया रूल, नया ऑर्डर आ गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि अब वो यूनियन टेरिटरी बन गया है, नाउ नॉन डोमिसाइल कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दीज पोस्ट. ओके, डोमिसाइल की कुछ शर्तें हैं जो हम इसके बाद वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे. बट अब अगर आप ये डोमिसाइल वाली जो भी कंडीशन है उसको अगर फुलफिल करते हो, so you can also apply for the gazetted and non-gazetted post. Okay, the domicile will be eligible for the purposes of the appointment to any post carrying a pay scale of not more than level 4. Okay, so level 4 se upar ki koi bhi post hogi to wahan pe
बाहर का भी कोई आदमी जाके जॉब कर सकेगा। ओके, द लेवल फोर पोस्ट कंप्राइजेस पोजीशंस सच एज गार्डनर्स, बार्बर्स, ऑफिस पीओस एंड वाटरमैन, एंड द हाईएस्ट रैंक इन द कैटेगरी इज दैट ऑफ द जूनियर असिस्टेंट। ओके, द रिजर्वेशन फॉर डोमिसाइल्स वुड नॉट अप्लाई टू ग्रुप ए एंड ग्रुप बी पोस्ट एंड लाइक अदर ड्यूटीज रिक्रूटमेंट वुड बी डन बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अब इनकी रिक्रूटमेंट कौन करेगा? जम्मू एंड कश्मीर यूटी में भी यूपीएससी करेगा। ओके, सो अब डोमिसाइल का क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया फॉर डोमिसाइल्स ओके क्या है? तो समवन हु हैज रिसाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। ओके, तो अगर किसी ने मिनिमम 15 साल अगर जम्मू कश्मीर का जो यूनियन टेरिटरी का जो एरिया है अभी, ओके, तो वहाँ पे अगर गुजार है यूनियन टेरिटरी बनने से पहले स्टेट में, ओके, तो उसको डोमिसाइल का सर्टिफिकेट मिल सकता है। दैट पर्सन कैन अप्लाई फॉर दी जॉब्स। ओके, और समवन हु हैज स्टडीड फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स ओके इन द जम्मू कश्मीर यूटी एंड अपियर्ड इन द क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशन इन एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर। और ओके, तो इसका क्या मतलब हो गया? अगर किसी ने 7 साल किसी भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की है और अगर वो 10 या 12वीं की क्लास में अपीयर हुआ, एग्जामिनेशन में अपीयर हुआ है इन दी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी कोई भी इंस्टीट्यूशन में, ओके, समवन हु इज रजिस्टर्ड एज अ माइग्रेंट बाय अ रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर। अगर किसी को आरआरसी ने रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर ने माइग्रेंट का सर्टिफिकेट दिया है, ओके, माइग्रेंट के तौर पर अगर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, चिल्ड्रन ऑफ द सेंट्रल ऑफिशियल्स, ओके, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स है जिनका अपने को पता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होता रहता है, ओके, सो चिल्ड्रन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ऑल इंडिया सर्विसेज, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडी ऑफ द सेंटर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ओके, स्टेचुटरी बॉडीज के अगर कोई एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनके बच्चे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कोई एम्प्लॉय है प्रोफेसर है तो उनके बच्चे, ओके, रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेंटर के एम्प्लॉय के बच्चे हु हैव सर्व्ड इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। अगर उन लोगों ने, ये एम्प्लॉयज ने अगर टोटल पीरियड 10 साल अगर जम्मू कश्मीर में गुजारे हैं ओके अपनी करियर में, तो उनके बच्चे भी जम्मू एंड कश्मीर की ये जो एग्ज़ाम्स है गेजेटेड एंड नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए, वहाँ पे ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चिल्ड्रन ऑफ सच रेसिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हु रिसाइड आउटसाइड जे एंड के इन कनेक्शन विद देयर एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस और अदर प्रोफेशनल और वोकेशनल रीजंस बट देयर पेरेंट्स फुलफिल एनी ऑफ द कंडीशन प्रोवाइड। बच्चे चाहे बाहर रहे हो दैट इज फाइन, बट अगर उनके पेरेंट्स ने भी ये ऊपर वाली कंडीशन अगर फुलफिल की है ओके, तो उनको भी जम्मू कश्मीर में एग्जाम देने दिया जाएगा। वो दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दी पोस्ट ऑफ गेजेटेड एंड नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, और एक चीज़ क्या इम्पोर्टेंट अपने को याद रखनी है कि अब तक जो तो जम्मू कश्मीर के जो एमएलए थे, एमएलसी थे, स्टेट असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहाँ के जो एक्स मेंबर्स थे, ओके, फॉर्मर एमएलए या फॉर्मर एमएलसी थे, काउंसिलर्स थे, उनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल रहे थे, चाहे वो अपने पॉलिटिकल इससे रिटायर भी हो गए हो, पॉलिटिकल करियर से रिटायर भी हो गए, तो भी उनको वहाँ पे काफ़ी फायदे मिल रहे थे। क्यों फायदे मिल रहे थे इतने सारे? क्योंकि सारी जो चीज़ें थी वो वही की स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रखी थी, ठीक है ना। वहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं सकती थी, तो उन लोगों ने मनगढ़ंत अपने हिसाब से अपने फायदे लेके रखे थे। तो अब देखिए क्या क्या है। द ऑर्डर जो 2020 का जो नया ऑर्डर आया है, द ऑर्डर ऑल्सो अमेंडेड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स पेंशन एक्ट 1984। जो पेंशन एक्ट है 1984 का जम्मू एंड कश्मीर का, उसको बदल दिया है। जो नया ऑर्डर है उसने अमेंड कर दिया है। ओके, और ये ऑर्डर क्या था? तो वो पेंशन फिक्स करता था, पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स। ओके, अब ये नया जो नोटिफिकेशन है, द न्यू नोटिफिकेशन स्क्रैप्स
स्क्रैप्स का मतलब रद्द कर दिए गए सारे जो पेंशन है वो आपको ध्यान में रखना है. द नोटिफिकेशन स्क्रैप्स ऑल पेंशन बेनिफिट्स सच एज कार, ड्राइवर, अकोमोडेशन, फोन्स, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल फैसिलिटीज एंड रेंट फ्री अकोमोडेशन टू फॉर्मर J&K चीफ मिनिस्टर्स. जो भी फायदे सारे उन लोगों ने अपने को दे के रखे थे वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री ने क्या कर दिया है, स्क्रैप कर दिया है, रद्द कर दिया गया है. ओके और एक चीज़ आपको खास याद रखनी है, इट चेंजेस द क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटिंग द PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट. ओके जिसके अंदर अभी महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को नज़र कैद रखा गया था. ओके और उमर अब्दुल्ला को लॉकडाउन के एक दिन पहले ही छोड़ा गया और तुरंत दूसरे दिन लॉकडाउन हो गया. ओके पब्लिक सेफ्टी एक्ट अगर अब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि भाई ये बंदा पब्लिक सेफ्टी के लिए या जम्मू कश्मीर की लोकल सिक्योरिटी के लिए डेंजर है तो उसको सीधा गवर्नमेंट उठा के डिटेन कर सकती है. ओके एंड टू बी लॉक्ड इन जेल्स आउटसाइड, जरूरी नहीं है कि जेल में ही डालेगी, कहीं भी उनको डाल सकती है. ओके द ऑर्डर हैज ऑल्सो मेड अमेंडमेंट्स टू द पब्लिक सेफ्टी एक्ट बाई रिमूविंग अ क्लॉज दैट प्रोहिबिटेड J&K रेसिडेंट्स बुक्ड अंडर द एक्ट टू बी लॉज्ड इन जेल्स आउटसाइड. ओके तो इसको स्क्रैप कर दिया गया है. ओके इट चेंजेस द क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटिंग द PSA एडवाइजरी बोर्ड. PSA एडवाइजरी बोर्ड में जो अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया था उसको भी अमेंड कर रहा है. ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सर्च कमिटी हेडेड बाई द चीफ सेक्रेटरी इंस्टेड ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द J&K हाई कोर्ट. देखिए पहले क्या होता था, अगर PSA एडवाइजरी बोर्ड में किसी को अपॉइंट करना था ओके तो जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस की से कंसल्टेशन लेना इम्पोर्टेंट था, ज़रूरी था. ओके बट अब वो ज़रूरी नहीं, अब आप सीधा किससे कंसल्ट कर सकते हो, बाय द चीफ सेक्रेटरी. ओके और चीफ सेक्रेटरी किसका बंदा होगा, होम सेक्रेटरी का बंदा होगा. ओके तो सीधा कंट्रोल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया है. ओके द एडवाइजरी बोर्ड हैज अ क्रूशियल रोल टू प्ले इन रिलीज ऑफ डिटेनस अंडर द PSA. इट ऑल्सो बार्स सिटिंग हाई कोर्ट जजेस टू बी मेड पार्ट ऑफ द बोर्ड विदाउट द चीफ जस्टिस कंसल्टेशन. ओके तो विदाउट चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन के आप हाईकोर्ट जजेस को बोर्ड का मेंबर नहीं बना सकते. ओके द ऑर्डर ऑल्सो स्क्रैप्स अ क्लॉज दैट डील्स विद द पावर टू रेगुलेट प्लेस एंड कंडीशन ऑफ द डिटेंशन. ओके जो बड़े बड़े नेता थे सारों को अपने घर में उन लोगों को नज़र कैद में रखा गया था. ओके तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है ओके ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक साबित हो सकता है आफ्टर द COVID-19 सिचुएशन इज ओवर. ओके देखिए रिसेंटली द गवर्नमेंट नोटिफाइड 3 स्कीम्स इन्वॉल्विंग टोटल इंसेंटिव्स ऑफ अराउंड 48,000 करोड़. गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़ी स्कीम लॉन्च की है. ओके 3 ऐसी बड़ी स्कीम लॉन्च की है किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए. ओके अब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में सारी चीज़ें आ गई, मोबाइल फोन से लेकर बड़े बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान है. ओके तो आपके जो कंडक्टर्स है, सेमी कंडक्टर्स, पंखे में लगने वाले कैपेसिटर है, ट्यूबलाइट में लगने वाले चोक्स, LED लाइट्स है, ये सारी चीज़ें ये 3 स्कीम्स में कवर की गई है. ओके चलिए पहली स्कीम का नाम क्या है, द प्रोडक्शन लिंक्ड इंटेंसिव स्कीम दैट इज नोन एज PLI स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग. दूसरी स्कीम का नाम है स्पेक्स. ओके व्हाट इज स्पेक्स, द स्कीम फॉर प्रमोशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, द स्कीम फॉर प्रमोशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स. ओके जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई लेक्चर कवर करेंगे तो हम उसमें सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स, रेजिस्टर्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर कर लूँगा. ओके द मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स EMC 2.0, ये बेसिकली जो रेड में हाईलाइटेड है दैट इज़ द स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया. ओके नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया. ओके बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाए जाएंगे. ओके देखिए आपको भी पता है कि चाइना और USA के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा था ओके उसकी वजह से मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी
मेक इन इंडिया को प्रोजेक्ट किया। ओके कि भाई देखिए चाइना में रहने रुकने का कोई मतलब नहीं है, चाइना और यूएसए के रिलेशन काफ़ी बिगड़ते जा रहे हैं, आप इंडिया में ये इंडिया में आपको वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी, बट आप अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आके कहाँ पे खोलिए, इंडिया में खोलिए। अब उसके तुरंत बाद वो सॉल्व नहीं हो रहा था और उसके तुरंत बाद COVID-19 वाला सिचुएशन खड़ा हो गया, तो इसकी वजह से चाइनीज क्रेडिबिलिटी जो है उसको काफ़ी धक्का पहुँचा है। और अब बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ये सोच रही है कि जैसे ही सिचुएशन ठीक होगी हम अपने प्लांट्स चाइना से शिफ्ट करके कहाँ ले जाएंगे, इंडिया में ले जाएंगे। इंडिया में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप भी है, इंडिया के लोग हार्ड वर्किंग है, इंडिया सबसे बड़ा मिडिल क्लास मार्केट है, ओके लेबर वहाँ पे सस्ता है, तो काफ़ी सारे फायदे हैं इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करने के लिए। ओके तो इसकी वजह से गवर्नमेंट जोर दे रही है कि भाई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर इंडिया में लगाए जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में आ जाए तो जॉब क्रिएशन काफ़ी अच्छा हो सकता है और इकोनॉमी को भी काफ़ी बूस्ट मिल सकता है। ओके देखिए ये जो 3 स्कीम गवर्नमेंट ने अनाउंस की है उससे गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या गोल गवर्नमेंट ने रखा है, अट्रैक्ट ₹1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर। ओके एक सेक्टर में 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एम कर रही है। ओके बूस्ट लोकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड जनरेट मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू पोटेंशियल ऑफ 10 लाख करोड़ बाई 2025। जो टोटल रेवेन्यू है उसको आने वाले 5 सालों में 2020 से लेकर 2025 तक कितना करना है, 10 लाख करोड़ रुपीज जितना करना है, और लगभग कितनी जॉब क्रिएट करनी है, 20 लाख जितनी जॉब इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब करनी है 2025 तक क्रिएट करने का गवर्नमेंट को गोल गवर्नमेंट ने सेट किया है। ओके नाउ व्हाट इज पीएलआई स्कीम। ओके सो पीएलआई स्कीम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो छोटे छोटे होते हैं एंड सेमी कंडक्टर्स पैकेजिंग। ओके अगर आप मान लीजिए सुबह जब आप उठोगे तब से लेकर रात को सोने तक आप 1000 ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे जहाँ पे आपको छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स अंदर लगे होंगे। ओके जब आप कंप्यूटर का मदरबोर्ड ओपन करोगे या ट्रिमर यूज़ कर रहे हो, ओके या XYZ कोई भी चीज़ें जब यूज़ करोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं। ओके तो अंडर दिस स्कीम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज विल गेट एन इंसेंटिव ऑफ 4 to 6% ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स। अगर कंपनी अपना सेल बढ़ाती है तो 4 से 6% तक, 4 to 6% तक उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। ओके ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, अगर वो सामान कहाँ में मैन्युफैक्चर हुआ है, इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है। ओके और ये तब तक ये जो आपका स्कीम है वो अब रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से एलिजिबल कंपनीज ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो 2020 से 2025 का जो पीरियड है 5 साल होगा, तब तक ये बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमी कंडक्टर्स, ये स्कीम उनके लिए अवेलेबल रहेगी। ओके चलिए अब नेक्स्ट आपका, अगेन दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके हमने पिछले लेक्चर्स में CSR के बारे में पढ़ा था, तो बेसिकली देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो कॉर्पोरेट कंपनीज है उनकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, क्योंकि जब अगर कोई 1000 करोड़ का मान लीजिए इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के पास लेके जाता है, ओके तो सामने वो भी गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्ट करेगा। तो जब कोई बंदा इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहा है तो गवर्नमेंट उसको सस्ते भाव में ज़मीन दे देगी, ओके टैक्स में कुछ राहत दे देगी, बिजली में कुछ राहत दे देगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट साथ में 2013 में पार्लियामेंट द्वारा एक एक्ट लाया गया था। देखिए इंडिया इतना बड़ा देश है कि गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुंच पाई इतने सालों में, ओके तो गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों में डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया अप्लाई किया है। अब इससे क्या होगा, मान लीजिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसकी शर्तें क्या है वो आपको बाद में बताता हूँ कि किस कंपनी को CSR अप्लाई होगा। ओके तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है मान लीजिए रिलायंस जैसी कंपनी है हजीरा में, ओके रिलायंस काफ़ी लार्ज स्केल की कंपनी है,
तो रिलायंस को हर साल अपना जो मुनाफा है उसका मिनिमम 2% कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत खर्च करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि रिलायंस की जहाँ जहाँ भी कंपनीज होगी उसके आसपास के एरिया में जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए वो काम अब किसको करना पड़ेगा, रिलायंस को करना पड़ेगा। ऐसे कौन से काम हो गए, रास्ते बनाना, बिजली प्रोवाइड करवाना, एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, स्कूल्स बना के देना, टाउन हॉल बना के देना, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना, लड़कियों को नौकरी देना, शिक्षा देना, उनकी शादी में मदद करना, जो लोकल अगर कुछ बिजनेस के लिए मदद प्रोवाइड करना, ये एनवायरनमेंट के लिए काम करना हो, अगर एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है तो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए काम करना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इन बड़ी बड़ी कंपनीज को करनी पड़ेगी, एंड दैट कम्स अंडर दी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में कि भाई पीएम केयर्स फंड अनाउंस किया गया है, तो अभी हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उन्होंने ये अनाउंस किया है, क्लेरिफाई किया है कि अगर कोई कंपनी पीएम केयर्स फंड में कोविड-19 के लिए अपना पैसा डालती है तो पीएम केयर्स फंड का में डाला हुआ डोनेशन ही सीएसआर के अंदर आएगा, तो ही वो मिनिमम 2% जो आपको हर साल खर्च करना है सीएसआर में उसमें गिना जाएगा। अगर आप और किसी भी फंड में, स्टेट फंड में, सीएम फंड में और किसी भी फंड में अगर वो पैसा डालते हो तो दैट विल नॉट बी काउंटेड अंडर द कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें काफ़ी सारा कॉन्ट्रोवर्सी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, ओके, बट वी विल नॉट गो इन टू दैट। सो द न्यूज इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज क्लैरिफाइड दैट द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड और द अदर स्टेट रिलीफ फंड विल नॉट क्वालिफाई, ओके, विल नॉट क्वालिफाई एज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर वाइल एनी डोनेशन टू द पीएम केयर्स फंड विल, ओके, ओनली पीएम केयर्स में दिया गया पैसा ही सीएसआर में काउंट होगा और कोई भी पैसा सीएसआर में काउंट नहीं होगा, ओके। अब देखिए कौन सी कंपनीज इसमें पे ये जो नया एक्ट था जो कंपनीज एक्ट 2013, ओके, वो लागू होगा, ओके। तो वो ये ऑलरेडी आगे के स्लाइड में हमने कवर किया है तो मैं थोड़ा जस्ट एक बार आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। जिस कंपनी की मिनिमम नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए होगी, ओके, या तो उसका सालाना टर्नओवर 1,000 करोड़ रुपए होगा, और जिस कंपनी का सालाना नेट प्रॉफिट कितना होगा, मिनिमम 5 करोड़ रुपए, ऐसी कंपनीज को, ओके, उनके 3 साल का जो पिछले 3 साल का प्रीवियस 3 ईयर्स का जो प्रॉफिट है, ओके, एवरेज प्रॉफिट जो है उसके 2 साल उसके 2% एटलीस्ट 2%, ओके, एवरी ईयर उनको सीएसआर एक्सपेंडिचर में खर्च करने पड़ेंगे, सीएसआर के अंदर खर्च करने पड़ेंगे, ओके। और सीएसआर में क्या आएगा, एनवायरनमेंट एंड इम्पैक्ट ऑन सोशल वेलफेयर के लिए अगर कोई भी पैसा खर्च कर रहे हो दैट विल बी काउंटेड एज सी एस आर खर्च, ओके। द चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड और स्टेट रिलीफ फंड कोविड-19 इज नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड देयरफॉर एनी कंट्रीब्यूशन टू सच फंड्स शैल नॉट क्वालिफाई एज एडमिसेबल सी एस आर एक्सपेंडिचर, ओके। तो कंपनीज एक्ट का जो शेड्यूल 7 है उसमें चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के एक्सपेंडिचर के बारे में कोई भी मेंशन नहीं किया गया, एंड दैट्स व्हाई ये काउंट नहीं होगा, ओके। हाउएवर डोनेशन टू द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ओके, जैसे गुजरात में गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जीएसडीए में है, ओके, तो उसको अगर पैसा दिया जाएगा तो दैट विल बी काउंटेड एज द सीएसआर एक्सपेंडिचर, बट सीएम रिलीफ फंड या और कोई, देखिए काफ़ी सारे स्टेट में सीएम रिलीफ फंड है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में, ऑलमोस्ट हर स्टेट में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड भी बनाया है कोविड-19 से कॉम्बेट करने के लिए, ओके, बट उसमें दिया गया पैसा सीएसआर एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं होगा, ओके। चलिए
अब क्यों ऐसा है वो डिटेल में देखते हैं। ओके देखिए, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है, पर सीएसआर का जो जिक्र है वो कहाँ पे है? क्लॉज 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ओके, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मैंडेट सीएसआर स्पेंडिंग अलोंग विद अ फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल सीएसआर एक्टिविटीज। ओके, और ये ऑलरेडी मैं ये पॉइंट मैं कवर कर चुका हूँ। ओके, कि कौन सी कंपनीज इसमें एलिजिबल होगी। ओके, हर जो जो कंपनी एलिजिबल होगी उनको कंपल्सरीली अपनी कंपनी में एक सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी, और ये सीएसआर कमेटी उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको सजेशन देगी कि भाई हम इन इन एक्टिविटीज़ में अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। ओके चलिए, अब देखिए जो शेड्यूल 7th ऑफ द एक्ट है वो क्या कह रहा है, कौन से पैसे जब आप डोनेशन में दोगे या खर्च करोगे तो वो सीएसआर एक्टिविटीज में आइडेंटिफाई होगे, तो उसको ऑलरेडी हमारे लॉ में लिखा गया है। वो क्या लॉ है हमारा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो कोई ऐसे प्रोग्राम में इन एक्स्ट्रा इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी, ठीक है, अगर आप हंगर और पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए कोई प्रोग्राम चला रहे हो उसमें खर्च किया गया पैसा सीएसआर में काउंट होगा, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन में पैसा खर्च कर रहे हो वो काउंट होगा, जेंडर इक्वालिटी में अगर कोई खर्च कर रहे हो वो काउंट होगा, एम्पावरिंग वुमन में प्रोग्राम में खर्च कर रहे हो तो वो पैसा भी काउंट होगा, कॉम्बेटिंग ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड अदर डिजीजेस के लिए अगर आप पैसा दे रहे हो, ठीक है, उनको क्योर करने के लिए कोई प्रोग्राम चल रहा हो दैट विल बी काउंटेड एज अ सीएसआर एक्सपेंडिचर। ओके, एंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट के लिए काम कर रहे हो तो भी वो काउंट होगा। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि ये पॉइंट के ऊपर अभी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड और एनी अदर फंड सेटअप बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके, एंड रिलीफ फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेज माइनॉरिटीज एंड वुमेन। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर का फंड होना चाहिए नेशनल फंड, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सेटअप फंड होना चाहिए। आपके 2013 के एक्ट में ये लिखा गया है, तो यहाँ पे सीएम रिलीफ फंड का कोई मेंशन ही नहीं है। दैट्स व्हाई कॉमर्स मिनिस्ट्री हैज क्लेरिफाइड दैट भाई, अब अगर सीएम फंड में पैसा दे रहे हो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर योर सीएसआर एक्टिविटीज। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है सत्यम। ओके, अब क्या है सत्यम? तो योगा और मेडिटेशन को COVID-19 और उस फ्यूचर में उससे आने वाले COVID-19 जैसे कोरोना जैसे और किसी वायरस से कैसे लड़ा जा सकता है उसका रिसर्च के लिए ये प्रोग्राम इनिशिएट किया गया है। ओके, रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ इनिशिएटेड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ योगा एंड मेडिटेशन प्रोग्राम विच इज शॉर्टली नोन एज सत्यम प्रोग्राम। ओके, अंडर सत्यम PST has invited proposals to study appropriate intervention of yoga and meditation in fighting COVID-19 and similar kind of viruses. Okay? So, main is the objective kya hai? BST is encouraging scientists, clinicians and experienced practitioners of yoga and meditation with a proven track record to submit concept notes on the proposal covering. Okay? अब देखिए, अगर आज तक किसी ने कोई स्टडी किया है तो वो भी आप सीधा सीधा वहाँ जाके सबमिट कर सकते हो। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रपोज्ड वर्क, कोई एग्जिस्टिंग लिटरेचर अगर है, कोई मेथडोलॉजी है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं टू कॉम्बेट सच काइंड ऑफ वायरसेस, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, बजट रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भेजनी है। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जो कल की स्पीच दी
उसमें आयुष मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाने को बोला था, ओके। और स्पीच के बाद सारे लोग आयुष मिनिस्ट्री के स्पीच पे आयुष मिनिस्ट्री की साइट पे गए और वो साइट कुछ आवर्स के लिए क्रैश हो गई थी। तो आयुष मिनिस्ट्री भी ने काफ़ी सारी गाइडलाइंस बताई है कि भाई आपको गर्म पानी पीना है, काढ़ा पीना है, या कैसे योग एंड नेचुरोपैथी से आप यू कैन इम्प्रूव योर इम्यूनिटी, ओके, हाउ यू कैन इम्प्रूव योर इम्यूनिटी, ओके। सो इसका बेसिक एम ये है टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू सोसाइटी इन टूडेज क्रिटिकल कंडीशन अराइजिंग ड्यू टू पेंडेमिक कोविड-19, ओके। दिस इज अ नीड बेस्ड कॉल, देयरफॉर प्रपोज्ड वर्क शुड बी कंप्लीटेड विद इन 6 to 12 months। ये प्रोग्राम एक्चुअली 2015 में लॉन्च किया गया था और 3 साल के लिए लॉन्च किया गया था, ओके। बट तब अब तो ऐसी ज़रूरत नहीं थी, तो काफ़ी काम धीरे 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 चल रहा था। अभी वापस मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि भाई अगर अभी आप रिसर्च करके गवर्नमेंट की हेल्प नहीं करोगे तो कब करोगे? यू शुड हेल्प द गवर्नमेंट नाउ, ताकि हम लोगों तक ये जो प्रूवन फैक्ट्स है कि भाई योगा से भी फायदा हो सकता है टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी एंड टू आप वायरस से अपने बॉडी को बचा सकते हो, तो ये आपको जल्दी से स्टडी करके गवर्नमेंट को देना है। तो दिस इज़ ए नीड बेस्ड कॉल एज ऑफ नाउ, ओके। और देखिए कोविड-19 में यूजुअली हम क्या फेस कर रहे हैं, व्हाट इज़ दी मेजर 3 डायमेंशंस दैट पीपल आर फेसिंग, ओके। पहला तो है स्ट्रेस कि भाई मेरा बिजनेस बंद है, मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कब तक ऐसे घर में लॉक रहना पड़ेगा, किसी को कुछ पता नहीं है, ओके। एजुकेशन का टेंशन है, लोन का टेंशन है, तो स्ट्रेस जो बढ़ती जा रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे असर होता जा रहा है इस वायरस की वजह से, और इम्यून सिस्टम पे असर होता जा रहा है। तो कैसे इन तीनों चीज़ों पे योगा और मेडिटेशन से इफेक्ट हम ला सकते हैं, वो अपने को बेसिकली सत्यम प्रोग्राम के अंडर अपने को ध्यान में रखना है, ओके। द इफेक्ट्स ऑफ योगा एंड मेडिटेशन ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग सच स्ट्रेसफुल टाइम्स हैव टू बी साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेटेड एंड दैट विल बी इन्वेस्टिगेटेड अंडर दी सत्यम प्रोग्राम, ओके। जब कोई आउटकम आएगा जो पॉजिटिव आउटकम अगर आता है, तो वो अपने पूरी दुनिया के साथ उसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 का एज ऑफ नाउ अपने पास ना तो कोई वैक्सीन अवेलेबल है, ना ही अपने को कोई एंड दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ योगा एंड मेडिटेशन प्रोग्राम। इट वॉज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड इन 2015, इट वॉज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड इन 2015 बाई द डीएसटी अंडर द कॉग्निटिव साइंस रिसर्च इनिशिएटिव, ओके। इट एम्स टू फॉस्टर साइंटिफिक रिसर्च ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ योगा एंड मेडिटेशन ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ओके। और उसके थीम और एलिजिबिलिटी आपको यहाँ दी गई है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन तब क्या डिसाइड किया गया था, 3 ईयर्स डिसाइड किया गया, जिसको और एक्सटेंड कर दिया गया है ड्यू टू द करंट कोविड-19 पेंडेमिक, ताकि और जो इंस्टीट्यूशन है वो इस पर रिसर्च कर सके, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज भारत पढ़े ऑनलाइन एंड युक्ति पोर्टल, ओके। जैसे मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये सिचुएशन कब तक चलेगी ये हमें पता नहीं है, ओके। तो हम हमारी जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको कब तक होल्ड पे रख सकते हैं? ज़्यादा टाइम के लिए उसको होल्ड पे नहीं रख सकते। तो इसीलिए MHRD नए नए मीन्स ढूंढ रही है कि भाई अब ऑनलाइन कैसे हम जो ऑनलाइन सिस्टम हमारे हैं उसको बेहतर बना सकते हैं, ओके। एंड दैट्स वाई बोथ दिस पोर्टल हैज स्टार्टेड, ओके। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हैज लॉन्च्ड टू न्यू इनिशिएटिव्स, भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन एंड युक्ति वेब पोर्टल फॉर, और इसका मेन एम क्या है देखिए, फॉर इम्प्रूविंग एंड मॉनिटरिंग द ऑनलाइन एजुकेशन इकोसिस्टम इन इंडिया, ओके। अब देखिए पहले बात करते हैं भारत पढ़े ऑनलाइन की, तो भारत पढ़े ऑनलाइन एक ऐसा कैंपेन है, वीक लॉन्ग कैंपेन अप टू 16th of April, ओके। 10 अप्रैल से 16th अप्रैल तक का एक कैंपेन है, ओके।
तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, आप सीधा MHRD को अपने आइडियाज भेज सकते हो फॉर इम्प्रूविंग द ऑनलाइन एजुकेशन इकोसिस्टम ऑफ इंडिया, फॉर इम्प्रूविंग ऑनलाइन एजुकेशन इकोसिस्टम ऑफ इंडिया. ओके, इट एम्स टू इनवाइट ऑल द बेस्ट ब्रेन्स इन इंडिया टू शेयर सजेशंस सॉल्यूशंस डायरेक्टली विद MHRD टू ओवरकम कंस्ट्रेंट्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन वाइल प्रमोटिंग द अवेलेबल डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म. ठीक है, अपने को पता है कि ऑनलाइन में काफ़ी सारी दिक्कतें अभी हम फेस कर रहे हैं. ओके, तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए, मान लीजिए अगर ये और 1 साल 1.5 साल अगर ये पेंडेमिक चलता है तब तक हम हमारे एजुकेशन को होल्ड पे नहीं डाल सकते, तो वी नीड टू फाइंड सम सोल्यूशन ताकि हर बच्चा या हर कोई इंसान जो पढ़ाई कर रहा है, जो टीचर है, जो प्रोफेसर है, वो घर बैठ के पढ़ सके और पढ़ा सके. तो ऐसे कोई सिस्टम अपने को चाहिए, तो इसी के लिए सजेशन MHRD ने मंगवाया है. ओके, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर द मेन टारगेट ऑडियंस इन इट. ओके, नाउ व्हाट इज युक्ति पोर्टल. तो युक्ति पोर्टल का पूरा नाम पहले तो आप नोट कर लीजिए, दैट इज यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. इज अ यूनिक सो युक्ति इज अ यूनिक पोर्टल एंड डैशबोर्ड टू मॉनिटर एंड रिकॉर्ड द एफर्ट्स एंड इनिशिएटिव ऑफ MHRD, मॉनिटर एंड रिकॉर्ड द एफर्ट्स एंड इनिशिएटिव ऑफ MHRD. इट विल ऑल्सो कवर द वेरियस इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन एकेडेमिक्स रिसर्च स्पेशली रिलेटेड टू COVID-19, सोशल इनिशिएटिव बाई इंस्टीट्यूशन एंड द मेजर्स टेकन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टोटल वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स. ओके, इट विल अलाउ वेरियस इंस्टीट्यूशन टू शेयर देयर स्ट्रेटेजीज फॉर वेरियस चैलेंजेस. ओके, सारे जो इंस्टीट्यूशन है वो भी अपने चैलेंजेस कैसे उनको ओवरकम किया उसकी स्ट्रेटेजीज गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगे. अगर उसमें से जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी उसको ट्राई किया जाएगा कि सारे इंस्टीट्यूशन में पहुंचाया जाए जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक. ओके, तो देखिए इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, द पोर्टल विल गिव इनपुट्स फॉर बेटर प्लानिंग एंड विल अनेबल इट टू मॉनिटर इफेक्टिवली इट्स एक्टिविटीज फॉर कमिंग 6 मंथ्स. देखिए गवर्नमेंट भी मान के ही चल रही है कि आने वाले 6 महीनों तक अपने को स्कूल कॉलेजेस ओपन नहीं करने हैं. ओके, इवन वी आर नॉट श्योर कि कहाँ तक ये पेंडेमिक चलेगा. ओके, इट एम्स टू फुलफिल द गोल्स ऑफ द मिनिस्ट्री इन द वेक ऑफ COVID-19 टू कीप द एकेडेमिक कम्युनिटी हेल्दी बोथ फिजिकली एंड मेंटली एंड टू एनेबल अ कंटिन्यूअस हाई क्वालिटी लर्निंग एनवायरमेंट फॉर लर्नर्स. ओके, सो जस्ट रीड बोथ दिस स्लाइड्स वंस अगेन, भारत पढ़े ऑनलाइन एंड युक्ति पोर्टल. ओके, नाउ नेक्स्ट शॉर्ट टॉपिक फॉर अस इज इबोला डेथ इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. ओके, सारी दुनिया जब COVID-19 से लड़ रही है तो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कंट्री है फॉर्म पॉपुलरली नोन एज कॉन्गो. ओके, तो वहाँ पे अभी भी इबोला आउटब्रेक चल रहा है 2018 से. ओके, और अभी कुछ दिन पहले WHO कॉन्गो को इबोला फ्री डिक्लेयर करने वाला था, बट उसके 2 दिन पहले ही वहाँ पे इबोला से 2 डेथ हो गई. अब ना WHO को पता है ना लोकल अथॉरिटी को पता है कि भाई जब हम इबोला फ्री होने वाले थे पिछले 7 हफ्तों से, 7 हफ्तों से ज़्यादा समय से हमारे पास कोई इबोला का केस नहीं था, तो ये नया केस कहाँ से आया. ओके, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो रिकॉर्डेड अ सेकेंड इबोला डेथ इन डेज फॉलोइंग मोर देन 7 वीक्स विदाउट अ न्यू केस, मोर देन 7 वीक्स विदाउट अ न्यू केस. ओके, ये देखिए आपको डेमो DRC का मैंने मैप दिया हुआ है. ओके, चलिए, सो इबोला आउटब्रेक हैज किल्ड मोर देन 2200 पीपल सिंस ऑगस्ट 2020
18, ओके। और इस आउटब्रेक के दौरान जो इन्फेक्टेड पीपल थे उनमें से 2/3 लोग क्या हो गए हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, ओके। द केस अपीयर व्हेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हैड बीन ड्यू टू मार्क एन एंड, ओके, वो मार्क एन एंड करने वाला था, तो इबोला फ्री डिक्लेयर किया जाने वाला था WHO की तरफ से, टू द सेकेंड डेडलीस्ट आउटब्रेक ऑफ द वायरस ऑन रिकॉर्ड। अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये केस कैसे इमर्ज हुए, जो नए केस है वो कैसे इमर्ज हुए हैं, ओके। थोड़ा इबोला वायरस के बारे में जान लेते हैं। इबोला वायरस डिजीज फॉर्मरली नोन एज इबोला हेमोरेजिक फीवर, इबोला हेमोरेजिक फीवर, फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1976 नियर द इबोला रिवर विच इज नाउ इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो इसलिए उसको क्या नाम दिया गया है, इबोला वायरस नाम दिया गया था, क्योंकि काफ़ी तब से चल रहा है अफ्रीका के अलग अलग कंट्रीज में, ओके, टाइम टू टाइम, ओके, लीडिंग द आउटब्रेक्स इन सेवरल अफ्रीकन कंट्रीज, ओके। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, मेजरली फ्रूट बैट्स से होता है, ओके। चलिए, तो ये उसका इंक्यूबेशन पीरियड है, ओके। उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 2 to 21 days। वॉट इज द इंक्यूबेशन पीरियड, इट इज द टाइम इंटरवल फ्रॉम इन्फेक्शन विद द वायरस टू द ऑनसेट ऑफ सिम्टम, ओके। जैसे कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 14 to 21 days, इसीलिए लोगों को 14 या 21 दिनों के लिए अलग रखा जाता है, आइसोलेशन में रखा जाता है, कि अगर आप इन्फेक्टेड हो भी तो आपकी बॉडी जो सिम्टम दिखाएगी वो मोस्ट प्रोबेबली 14 दिनों बाद दिखाना स्टार्ट करेगी, ओके। तब तक वो वायरस आपकी बॉडी में डिटेक्ट नहीं होगा, तो इसका इन्फेक्शन पीरियड है 2 to 21 days। अ पर्सन इन्फेक्टेड विद इबोला कैन नॉट स्प्रेड डिजीज एंटिल दे डेवलप सिस्टम्स, ओके। जबकि कोरोना में ऐसा नहीं है, कोरोना में अनोइंगली भी पर्सन इसको स्प्रेड कर सकता है, ओके। अब इसके सिम्टम क्या क्या है, फीवर है, फटीग है, मसल पेन आपको दिख सकता है, हेडेक दिख सकता है, सोर थ्रोट दिख सकता है, वॉमिटिंग, डायरिया, ओके, किडनी और लीवर फंक्शन पे असर कर सकता है, एंड इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी आपको यहाँ पे दिख सकती है, ओके। डायग्नोसिस भी इसका काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये जो सिम्टम है वो मलेरिया टाइफॉइड फीवर के ही सिम्टम है, इबोला को अलग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है डायग्नोसिस में, ओके। और अफ्रीका जैसे कंट्रीज जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं है, लोग ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी अभी तक इतनी पहुँची नहीं है, ओके। WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को काफ़ी ट्राई कर रहा है, ओके, बट स्टिल द मेडिकल फैसिलिटीज आर वेरी वेरी पुअर, एंड दैट्स वाई द डायग्नोसिस इज वेरी हार्ड देयर, ओके। उसकी वैक्सीन कौन सी अभी दी जा रही है, ओके। तो देखिए, अभी भी इबोला की भी वैक्सीनेशन अपने पास अवेलेबल नहीं है, एक्सपेरिमेंटल इबोला वैक्सीनेशन दी जा रही है, जिसका नाम है RVSV जेबोव, ओके। क्योंकि ये काफ़ी गिनी में, जब गिनी में 2015 में इबोला आउटब्रेक हुआ था, तो ये काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुई थी इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ओके, एंड दैट्स व्हाई दिस वैक्सीन इज यूज, ओके। द RVSV जेबो वैक्सीन इज बीइंग यूज्ड इन द ऑनगोइंग 2019 इबोला आउटब्रेक इन DRC, ओके। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल इबोला वैक्सीन, जस्ट नोट दैट, ओके। नो परमानेंट वैक्सीन हैज बीन इन्वेंटेड येट और डिस्कवर्ड येट, ओके। द पब्लिक मिस्ट्रस्ट एंड मिलिशिया अटैक्स हैव प्रिवेंटेड हेल्थ वर्कर्स फ्रॉम रीचिंग सम हार्ड हिट एरियाज फ्रॉम एडमिनिस्टरिंग द वैक्सीन। जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी ट्राइबल एरियाज है और वहाँ पे काफ़ी लड़ाइयाँ चलती रहती है, तो उसकी वजह से मेडिकल सर्विसेज पहुँचाना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है, ओके। सो दिस वॉज अबाउट योर टूडेज लेक्चर, ओके। अगर कोई डाउट है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ओके। And please continue with your preparation. Thank you.